कल जैसा जानते हैं कि हमारी जो सिटी की ग्रिड और इसके आउटस्कर्ट्स पेरिफेरी जो एरिया है उसके ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट्स पंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी द्वारा जॉइंट नाका वहां पर लगा हुआ था महाराज, और वहां चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न जूथ वहां से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सके, मगर जो होशियार दस्ता वहाँ पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते ही उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज किया और चेज करते वहाँ तक ले गए जहाँ जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा, धोबी मोहल्ला पंथा चौक में। हमारी तमाम पार्टियां, वैली की सिक्योरिटी, हमारी एसओजी की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज किया। थोड़े ही अरसे के बाद जहां जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई, फायरिंग का जवाब दिया जिसमें एक मिलिटेंट पहले मारा गया। फायरिंग चलती रही और हमारी जो लीड टीम है एसओजी की, उसके बहादुर जांबाक हुए जो हमारे एएसआई हैं बाबूराम जी, ये बहुत बहादुर हमारी एसओजी ग्रीन टीम के साथी थे जो बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस में काम करते थे, और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहा और रात तक सीनियर ऑफिसर इस ऑपरेशन को फिजिकली मोनिटर करते रहे, तमाम फोर्सेस के सीनियर अफसर मौके पर खुद तैनात रहे। अर्ली मॉर्निंग जब जो ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, हमने फिर बार एक कोशिश करी जैसे हर बार करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ एक आतंकी था उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। उसके घर वालों को पामपुर के एरिया से बुलाया गया, उनकी अपील करवाई गई, मौका दिया गया कि इसके बावजूद कि हमने अपना एक साथी खोया था, इसके बावजूद हमने ये कोशिश करी कि वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए, मगर उस वक्त जब ये ऑफर दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्करे तौबा से वाबस्ता हैं और उनमें से एक पुराना है, कमांडर है उनका, जो काफ़ी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है, बहुत सारा आतंकी क्राइम जो है उसके खाते में है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ अलर्ट फोर्सेस ने, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स ने एक हादसा जो है उसको बचाया है, इसके साथ साथ एक कामयाब ऑपरेशन भी किया है। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है और रिकवरीज क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशंस का हम सिलसिला बाद में शेयर करेंगे, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें आइडेंटिफिकेशन हुई है, अभी हम इस स्टेज पर शेयर नहीं करना चाहते। सर, ये कब से एक्टिव थे? ये काफ़ी लंबा अरसा से एक्टिव था। इसमें जो मेन कमांडर है उसको तो 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से वो एक्टिव था, बाकी दो लड़कों का बाकी डिटेल जो है वो सब्सिक्वेंट। श्रीनगर की रिकवरी जो आर्म्स एंड एमिनिशन होते हैं, AK-47 पिस्टल वो रिकवरी हुई है उसकी। सर, नवसर बाबूराम हुआ जिसमें दो IRP के जवान शहीद हो गए, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट में थी? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है, मगर सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें जब आएंगी, क्योंकि अभी